अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी बास्केटबॉल खेलने जाऊंगा। काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि यार बास्केटबॉल खेलते हुए थोड़ा व्लॉग बनाओ, ये तो आपका पैशन है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू यू। मैं क्यों नहीं बनाता, वो तो बड़ी लंबी बात है, मैं क्यों नहीं खेल पाता बास्केटबॉल, लेकिन अभी बास्केटबॉल खेलने के लिए जाना है। पिछली दफ़ा मैंने बास्केटबॉल जो खेला था फुल फ्लैश जो होता है जिसमें पसीना आ जाता है, थक जाते हैं, 3 महीने पहले खेला था, 2 हफ्ते पहले भी खेला था, बट दैट्स दैट वाज लाइक 10-15 मिनट्स, नॉट अ लॉट। तो अब 3 महीने बाद मैं वापस बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ। वैसे जिस इलाके में मैं आया हूँ वो इलाका है पैसेडीना, एलए से तकरीबन आधा घंटा दूर है। अगर आप कराची में रहते हो ना तो गुलशन से DHA कितना दूर है, इतना ही मतलब एलए से पैसेडीना दूर है, तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है। और रास्ते में बारिश भी हो रही थी, देख रहे हो एक ही बाउंड्री लाइन, शहर के बाउंड्री लाइन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, बीच में बारिश हो रही है। अगर किसी ने GTA वाइस सिटी खेली है, वो हर 5 मिनट बाद बारिश नहीं हो जाती, वैसा सीन हो रहा है। जब निकला तो धूप थी, बीच में बारिश हो रही थी और वापस धूप निकल आई। और फिर लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ होक्स। कैमरा अब खेल जमेगा। That was actually a pretty good workout. Total 4-5 games हुए थे 2 घंटे में, मैंने 15 मिनट ब्रेक ली थी और बाकी 4 गेम्स मैंने खेले, and I'm really really tired right now. By the way, अब तक आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि what's my favorite team? Los Angeles Lakers. From day one, die hard. भैया सुबह 6 बजे का उठा हुआ, नाश्ता नहीं किया है, घर पे आया तो अब्बा ने बोला बेटा नाश्ते के सामान ही नहीं है, तो अभी नाश्ते का सामान लेने के लिए जा रहे हैं। क्या आपने नोट किया है कि मेरे सर पे किसी ने अपना घर बसा लिया, माथे पे, राइट हियर, एक मिनट करता हूँ, हियर वी गो, वो भी बगैर पूछे, विदाउट रेंट। देख रहे हो आपका भाई कितना हम्बल है। हाँ भाई, तो हुआ कुछ हुआ कि मैं अभी 1 बजे 1:30 बजे सोया था, तकरीबन 1 घंटा सोने के लिए इरादा ये था 1 घंटा सोने, लेकिन अभी बज रहे हैं 4, मैं आराम से 3.5 घंटे घोड़े बेच के अब वापस उठाऊँ। तो आज मेरा प्लान था ड्रोन उड़ाने का, अभी भी यही प्लान है, अभी सूरज डूबा नहीं है, 1.5 घंटा है, उससे पहले मुझे बीच पहुँचना है और ड्रोन उड़ाना भी है, तो टाइम कम है एंड आई हैव टू गेट टू द बीच। Thank you.
द वे आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि व्हाट्स माय बाय द वे अब तक आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि व्हाट्स माय हाँ भाई, तो आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का इज रिलेटेड टू टुडेज बास्केटबॉल गेम व्हेन आई हैड टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स प्राइवेसी। यूजुअली हम कंटेंट क्रिएटर्स को बड़ा होता है कि हर एक फ्रेम हर एक सीन कैप्चर कर लें, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव टू मेक श्योर टू रिस्पेक्ट एवरीवन एल्स अराउंड अस एज वेल। सो दैट विल बी टुडेज मैसेज, टू रिस्पेक्ट everyone around us and everyone's privacy. Baki, you can subscribe me right here and you can follow me up on Instagram for daily updates. Khuda hafiz.